दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य आपको करंट अफेयर्स से जुड़े नवीनतम प्रश्नों से रूबरू कराना है, जो अक्सर यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, आईएएस, पीओ, यूजीसी नेट, सीटीएस, बैंकिंग और रेलवे आदि परीक्षाओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। इसके माध्यम से नवीनतम करंट अफेयर्स प्रश्नों की प्रकृति को समझना आपके लिए आसान होगा। तो करंट अफेयर्स के आज के सेगमेंट के टॉप 10 क्वेश्चंस में से प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? विकल्प ए है अशोक सिंह, विकल्प बी है नृपेंद्र मिश्र, विकल्प सी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा विकल्प सी, यानी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं। अभी वे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार भी वे टीकमगढ़ की सीट से जीत कर आए हैं। वह 7वीं बार सांसद बने हैं। आपको बता दें, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पिछली नरेंद्र मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों और महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। प्रोटेम स्पीकर के रूप में वे लोकसभा के पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे। दूसरा सवाल है, नवीनतम ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? विकल्प ए है राफेल नडाल, विकल्प बी है रोजर फेडरर, विकल्प सी है नोवाक जोकोविच और विकल्प डी है एंडी मरे। दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा नोवाक जोकोविच, यानी कि विकल्प सी। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच शीर्ष स्थान पर है। राफेल नडाल, जिन्होंने हाल ही में 12वां रोलो गैरो खिताब जीता है, वे दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई डोमिनिक थियम, जिन्हें नडाल ने फाइनल में हराया, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के पीछे अपना चौथा स्थान रखते हैं। जोकोविच 250वें यानी 250वें सप्ताह तक लगातार पहले पायदान पर बरकरार हैं। ऐसा करने वाले जोकोविच इतिहास रचते हुए महानतम खिलाड़ियों के क्रम में शामिल हो गए हैं। जोकोविच अपने करियर की शुरुआत से अभी तक कुल 250 सप्ताह तक शीर्ष पर रहे। नोवाक को कुल 11,070 अंक इनको प्राप्त हुए हैं। तीसरा सवाल है, किस देश ने हाल ही में शीर्ष 2021 के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? विकल्प ए है रोमानिया, विकल्प बी है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी है कनाडा और विकल्प डी है पेरू। दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, यानी कि कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने देश में वर्ष 2021 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उन्होंने इसे प्लास्टिक की थैलियों, तिनकों और कटलरी की दुनिया के महासागरों के अवरुद्ध होने की एक वैश्विक चुनौती घोषित किया है। कनाडा में उपयोग किए जाने वाले 10% से कम प्लास्टिक वर्तमान में पुनः नवीनीकृत किए जाते हैं। चौथा सवाल है, 100 शीर्ष ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? विकल्प ए है एप्पल, विकल्प बी है गूगल, विकल्प सी है पेप्सिको और विकल्प डी है अमेजन। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी अमेजन। वैश्विक बाजार अनुसंधान एजेंसी कंतार के अनुसार 2019 की 100 शीर्ष ब्रांड्स रिपोर्ट में अमेरिकी खुदरा दिग्गज का अमेजन ने दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड बनने के लिए एप्पल और गूगल को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अमेजन का ब्रांड वैल्यू 52% से बढ़कर $315 बिलियन तक बढ़ गया है। इसलिए गूगल को पीछे छोड़कर तीसरे से पहले स्थान पर आ गया है गूगल, जो अब तीसरे स्थान पर है, जबकि एप्पल दूसरे स्थान पर है। पांचवा सवाल है, भारत को किस सम्मेलन के आउटरीच सत्र का निमंत्रण हाल ही में मिला है? विकल्प ए है G20, विकल्प बी है G7, विकल्प सी है HCO और विकल्प डी है सार्क सम्मेलन। दोस्तों, विकल्प बी यानी G7 इसका सही विकल्प है। भारत को फ्रांस में अगस्त 2019 में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ज्ञात हो कि G7 समूह का 45वां यानी 45th शिखर सम्मेलन 24 अगस्त से 26 अगस्त तक फ्रांस के बियारिट्ज में आयोजित किया जाएगा। छठा सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार
एशिया में व्यापार करने हेतु सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में सिंगापुर किस स्थान पर है? विकल्प ए है पहले, विकल्प बी है छठे, विकल्प सी है पांचवें और विकल्प डी है दसवें। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी छठवें। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवाओं के प्रदाता TMF ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर एशिया में व्यापार करने के लिए छठे सबसे सरल एवं सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। सातवां सवाल है, रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कितने आधार अंक की कमी की है? विकल्प ए है 25, विकल्प बी है 15, विकल्प सी है 30 और विकल्प डी है 35। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ए यानी 25 आधार अंकों की रेपो रेट में रिजर्व बैंक ने फिलहाल कमी की है। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक यानी बाई मंथली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को तत्काल प्रभाव से 6% से 25 आधार अंक काटकर 5.75% कर दिया है। परिणाम स्वरूप रिवर्स रेपो रेट 5.5% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSF दर जो रेट है और बैंक दर 6% पर समायोजित हो जाती है। आठवां सवाल है, यूके की सरकार ने विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? विकल्प ए है संजय सुब्रमण्यम, विकल्प बी है कुमार अय्यर, विकल्प सी है हरदीप पुरी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी यानी कुमार अय्यर। कुमार अय्यर को यूके के सरकार ने विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय यानी FCO के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वे विभाग के प्रबंधन बोर्ड के पहले भारतीय मूल के सदस्य हैं। वे पहले मुंबई में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। इस नई भूमिका में वे FCO की अर्थशास्त्र इकाई का नेतृत्व करेंगे। नवा सवाल है, अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है यानी अंतरिम केंद्रीय CVC कौन नियुक्त हुए हैं? विकल्प ए अश्विनी चौबे, विकल्प बी शरद कुमार, विकल्प सी महेश आनंद और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी शरद कुमार। शरद कुमार को अंतरिम CVC नामित किया गया है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC KV चौधरी ने भ्रष्टाचार विरोधी निकाय में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन फरवरी 1964 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। ज्ञात हो कि CVC एक शीर्ष सतर्कता संस्थान भी है। दसवां सवाल और आज का अंतिम सवाल है, भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा मेगा हवाई अभ्यास जुलाई 2019 में आयोजित किया जाएगा? विकल्प ए संप्रीति, विकल्प बी वरुण, विकल्प सी इंद्र शक्ति और विकल्प डी हैंड इन हैंड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प बी यानी कि वरुण। भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना फ्रांस में 1 जुलाई से शुरू होने वाले 2 सप्ताह के मेगा हवाई अभ्यास का आयोजन करेंगे। इस अभ्यास से भारतीय वायुसेना के पायलटों की एक बड़ी संख्या को फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा संचालित किए जा रहे राफेल जेट विमानों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपके सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएँ। धन्यवाद।